उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत करता है द मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम सुपर टेट एग्जाम के लिए 149वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम टोटल 150 प्रश्न रखते हैं। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट जरूरी है लगाना, जिससे क्या होगा 2 से 3 सालों से आपने जो भी पढ़ा है सब कुछ आपको याद बना रहेगा। प्रैक्टिस सेट में जितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना है। और हाँ, ये सभी प्रश्न राकेश यादव पब्लिकेशन किताब से लिए गए हैं। ये किताब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, इसे आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो निर्देश दिया गया कि अनुच्छेद को पढ़ेंगे और प्रश्न के लिए सही विकल्प चयन करेंगे। अनुच्छेद की जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रशिक्षण के दौरान सामने आई वह थी छात्रों तथा शिक्षकों के बीच परस्पर संबंध। हमने आप अध्यापकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि वे प्रत्येक छात्र की भावना की कदर करें तथा ये देखें कि छात्र क्या चाहता है। यदि एक बार छात्र शिक्षक के डरना बंद कर देता है तथा दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो जाता है तो छात्र छात्रों के लिए सीखना आनंददायक और आसान हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक का स्वभाव, बी ऑप्शन शिक्षक की विद्वता, सी ऑप्शन शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, डी है शिक्षक की संवेदनशीलता। प्रश्न संख्या 1, इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कविता से और कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों का सबसे उचित विकल्प चुनेंगे। तो देखिए, जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण, मैं उसका प्रेमी बनू नाथ, जिससे मानव हित हो समान, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बनू नाथ। तो प्रश्न है यहाँ पर कि कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। ए ऑप्शन है अंधकार दूर हो जाए, बी ऑप्शन जो जीने की शक्ति देता है, सी है जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव बुलाकर एक हो जाते हैं, डी है जिससे सब तरफ उजाला हो जाए। प्रश्न संख्या 2, इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 3 और तीसरा प्रश्न देखिए, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवन गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है बताना है, सोटा छंद है, चौपाई छंद है, दोहा छंद है या बरवे छंद है। प्रश्न संख्या 3, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोटा छंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है कि वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्रिया है, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, काल वाचक क्रिया विशेषण, स्थान वाचक क्रिया विशेषण या रीति वाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 4, तो 4 में आपका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, सही लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 5, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, मर्मंग, सुभिक, विद्वान या निगूढ़। प्रश्न संख्या 5, आपका ए ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा, मर्मंग। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 7 है, था किस वर्ग का व्यंजन है,
ओष्ठ व्यंजन, ताल व्यंजन, दंत व्यंजन या ऊष्म व्यंजन? प्रश्न संख्या 7, आपका सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा, दंत व्यंजन है आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? हाँ, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ट, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, खिदाव, नानी, चाकू, निठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। प्रश्न संख्या 8, आपका इसमें ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। प्रश्न संख्या 9 है, ऋतुजा का सही विलोम है टेढ़ापन, वक्रता, बांझपन या तिरछापन? प्रश्न संख्या 9, चलिए आंसर करिएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, वक्रता। प्रश्न संख्या 10 है, निमिष शब्द का पर्यायवाची है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण? प्रश्न संख्या 10, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्षण। ग्यारहवें प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है अंत्याक्षरी, अनुलेख, अर्धाक्षरी या कविता पाठ? प्रश्न संख्या 11, तो इसमें राइट आंसर बी लगाएंगे, अनुलेख। अनुलेख जो है वो भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बताना है पुस्तक है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए पुस्तक क्या होता है, पुस्तक को भैया पढ़ा जाता है, ठीक है, पढ़ा नहीं जाता बल्कि पढ़ी जाती है, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन होगा, स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 13, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें बताना है कारक कौन सा है, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक? प्रश्न संख्या 13, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, अपादान कारक। देखिए अपादान कारक क्या होता है, जब कोई भी चीज किसी से अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है, आपको अच्छे से पता है। बाकी आपको ये तो विभक्ति चिन्ह बनाई है, देखिए कर्ता ने कर्म को करण कारण से के द्वारा, संप्रदान कारक का मतलब होता है को के लिए, अपादान आपको पता है से अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक को भी जान लेंगे, देखिए इसमें का के की रा रे री आते हैं, अधिकरण में मे पर आता है, संबोधन में हे अजी ओ आदि आते हैं और संबोधन चिन्ह भी लगा रहता है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से किस शब्द में पृथक का प्रयोग नहीं हुआ है, बसंत, रटंत, भिड़ंत या धड़ंत? प्रश्न संख्या 14 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बसंत। प्रश्न संख्या 15, अछौड़ी की संधि विच्छेद है अछदन हेड़ी, अछदन ओहिणी, अछोदन अहिणी या अछदन ओहिणी? प्रश्न संख्या 15 आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, अछदन अहोणी। 16वां प्रश्न है, द्वंद्व समास है लंबोदर, अंधकूप, नर नारी या शरणागत? प्रश्न संख्या 16 आपका सी ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा, नर नारी। प्रश्न संख्या 17, खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ है, लोग मजदूरी की परवाह करते हैं कार्य की नहीं? बी ऑप्शन है पूरी जिम्मेदारी देने पर अच्छा कार्य होता है, सी है साधारण काम के लिए अधिक पैसे मांगना, डी है बिना काम के दौलत चाहना। चलिए आंसर करिएगा, दूसरा आप पर राइट होगा, पूरी मजदूरी पर अच्छा कार्य होता है, यही होता है खरी मजदूरी चोखा काम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न है, देखिए हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कभी एक आंख से काना था, ईश्वरदास, शेख नबी, कुतुबुन या जायसी? प्रश्न संख्या 18, तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट होगा, जायसी, इनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। 19वां प्रश्न है, सुख और दुख से ध्वनि शब्द वाला शब्द है अवृत, उत्पीड़न, आंख या मुख? 19वां प्रश्न, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मुख।
प्रश्न संख्या 20 है, सब्य साची शब्द के लिए एक वाक्य है। सदा सत्य बोलने वाला, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जिसने बहुत कुछ सुना हो। डी है अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। प्रश्न संख्या 20 आपका बी ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अंग्रेजी से ये डायरेक्शन दिया गया है, रीड द पैसेज, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब ये है कि गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे और इससे जो प्रश्न बनेंगे उनके आंसर करेंगे। ठीक है, तो गद्यांश है कि योर एटीट्यूड आर द प्रिस्क्रिप्टिव फॉर विच यू वी लाइफ। सम पीपल सीम टू हैव ए गुड एटीट्यूड टूवर्ड्स मोस्ट थिंग्स, सम पीपल सीम टू हैव ए बैड एटीट्यूड टूवर्ड्स एवरी थिंग, वट वेन यू वुक क्लोजर यू विल फाइंड द मोस्ट ऑफ अस हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटीट्यूड, सम गुड सम नॉट सो गुड। ठीक है, इसके बाद है व्हाट एवर एटीट्यूड वी हैव टूवर्ड एनीथिंग विल आर फैक्ट हाउ वी फील अबाउट इट, दिस इज टर्न डिटरमाइंस व्हाट एवर नॉट वी विल डू विल, सो आवर राइट एटीट्यूड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन हेल्पिंग अस बिकम सक्सेसफुली। क्वेश्चन है द वर्ड डिटरमाइंस मोस्ट नियरली मीन्स, तो डिटरमाइन का जो सबसे ज्यादा अच्छा और बढ़िया मतलब होगा वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस ओवर ओवरकम एंगेज या गोविन। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, गोविन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से डायरेक्शन दिया है, पोएम को पढ़ेंगे इनसे आंसर जो बनेंगे आंसर करेंगे। तो पोएम है यहाँ पर ऑन ए रीड हाउस वाइफ, तो हियर लाइज ए पुअर वुमेन हु वाज ऑलवेज टायर्ड, शी लिव्ड इन ए हाउस वेयर हेल्प वाज नॉट हर्ड हियर्ड, हर लास्ट वर्ड ऑन अर्थ वर डियर फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू वेयर देयर इज नो कुकिंग और वॉशिंग और सोइंग, फॉर एवरी थिंग देयर इज एक्सेप्ट टू माई विशेस, फॉर वेयर दे डू नॉट ईट देयर इज नॉट वॉशिंग ऑफ डिशेस। क्वेश्चन है देयर वुमेन वॉज ऑलवेज टायर्ड बिकॉज, तो सी वॉज फिजिकली वर्क फिजिकली वेरी वीक भी है, सी वॉज सफरिंग फ्रॉम द सीरियस एलमेंट, सी है सी डिड नॉट हाउस होल्ड वर्क विदाउट एनी हेल्प, डी है सी हैड हार्डली एनीथिंग टू ईट। प्रश्न संख्या 22, चलिए आंसर करिएगा, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है विच इज नॉट एज ए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट वर्ब ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव या एट्रीब्यूट। प्रश्न संख्या 23, आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, एडजेक्टिव। प्रश्न संख्या 24, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस, दिस मैंगो स्वीट टेस्टी टेस्ट टेस्टिंग या टेस्टस। प्रश्न संख्या 24, आपका डी ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा, टेस्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ बॉडी, यहाँ पर है कार्पोरल बॉडली कार्पोरियल या ऑल ऑफ दिस। 25वां प्रश्न, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दू चिल्ड्रन खालिस्तान है वेरी हेल्दी लुकिंग टू टुक लुक्स या लुक्ड। प्रश्न संख्या 26, तो राइट आंसर डी लगाएंगे, लुक्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दो चिल्ड्रन खालिस्तान है वेरी हेल्दी लुकिंग टू टुक लुक्स या लुक्ड। प्रश्न संख्या 26, तो इसमें राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन आपका भैया एकदम सही होगा, लुक्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
आई हैव नॉट आल्पेड यस्टरडे फ्रॉम सिंस फॉर या डू। 27वां प्रश्न आपका बी ऑप्शन राइट होगा सिंस। अगला प्रश्न है ही इज अलाउ ही इज श्योर नॉर आल्सो एंड या बट। प्रश्न संख्या 28 आपका राइट आंसर डी होगा बट। अगला प्रश्न चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नॉन अप्रूव अप्रूविंग अप्रूवल अप्रूव्ड या अप्रूव्स। प्रश्न संख्या 29 आपका राइट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन ठीक है अप्रूवल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द इटलाइज्ड वर्ड। प्रश्न है नमिता वर ए डार्क ग्रीन सारी ऑन वेडिंग नॉन प्रोनॉन एडजेक्टिव या एडवर्ब। प्रश्न संख्या 30 आपका सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा एडजेक्टिव ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नाना विकल्प मत करोतव्य समुचितम उत्तर चित्वा लिखत अनादि कालात प्रचलाताम अस्माकम परस्पराय वैभव वैदिका ऋषिया अभवन मानसी वशिष्ठा महर्षि विश्वामित्रा च वैदिक कालीनो ऋषि आस्तम उच्यते वशसी यथोचति व्रत पाल्यंतु तो महंतो तपस्विनी अभवत योगान गुरे स्वाध्यान अधीनो तो ज्ञानिना सचिते एवं त्वा अवोह परसेव तू ज्ञानस्य भंडार एवा आसीत। प्रश्न है गद्यांश अस्माकं परस्परायाम इत्यस्य का अर्थ है सामाजिक परंपरायास पश्चात परंपरायास वैदिक परंपरायास या भारतीय परंपरायास। प्रश्न संख्या 31 में आपका राइट आंसर डी होगा ठीक है तो डी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न है देखिए अधोलिखित वृद्धि संज्ञक नास्ति आ ओ औ या ए। प्रश्न संख्या 32 तो 32 में आपका राइट आंसर बी होना चाहिए ओ ठीक है और यही राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्लोक के आधार पर प्रश्न के उत्तर देना है तो बी व्युतिस जाति पार्थनातर को अभी हेतु न खलु वहरु पद्री पर्यंत सृष्टे दीक्षित ही पदड योसेम पुंडरीक द्रविड चा हेमर समा द्वित चंद्रकांत। प्रश्न संख्या आपके यहाँ पर 32 और 32 में आपका राइट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर देखिए हाँ 32 का बी तो सही है। इसके बाद में यहाँ पर 33वां प्रश्न रहेगा ये ठीक है। 33वां प्रश्न है कि पदार्थ को परस्पर कौन जोड़ता है धन विद्या कोई अज्ञात आंतरिक कारण या विनम्रता। 33 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा कोई अज्ञात आंतरिक कारण। 34वां प्रश्न आप देख रहे हैं तद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति रूप क्या है तेन तस तस्मात तत। 34वां प्रश्न आपका बी ऑप्शन राइट होगा तस। चलिए अगला प्रश्न है यूरो अनुसकी अनुसकी व सूत्र का उदाहरण है माल्याभ्याम विदुलशति अयंत मुरारी या उल्लास। 35वां प्रश्न तो प्रश्न संख्या 35 आपका राइट आंसर इसमें सी होगा ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 36 अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा अज धन अंता आधन जनता अच धन अंता या अजाधन अंता। प्रश्न संख्या 36 देखिए अजंता का सही संधि विच्छेद होगा अच धन अंता। इसमें हल व्यंजन की संधि है और इला जस यसी सूत्र से अजंता रूप बन जाता है तो अच धन जनता देखेंगे यहां पर कहां पर है जी हाँ सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पंच पश्चात को अंक में लिखेंगे 551 50 या 55। प्रश्न संख्या 31 आप 37 तो 37 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा ठीक है।
38वां प्रश्न है, महान व्याकरण व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में या 16 खंडों में। 38वां प्रश्न, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा 14 खंडों में। अगला प्रश्न है, राग समीपस्य का समस्त पद है उपराजन, राज समीपस्य उपराजम या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 39, आपका सी ऑप्शन क्या होगा इसमें, राइट होगा। अगला प्रश्न है, क्रोशेन अनु वाक्य भीत किस सूत्र का उदाहरण है, कृत कर्ण उपयुक्त तृतीया अपवर्गे तृतीया है तो इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 44, आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, हाँ 41 में। तो देखिए 41 यहाँ पर 40 है, ठीक है सॉरी 40 में देखेंगे, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद 41वां प्रश्न आता है, एक प्रेक्ष्य गति में 36 के साथ एक बड़ा कोण पैदा करता है, समतल प्रक्षेप तथा वक्र प्रक्षेप पथ, सीधा प्रक्षेप तथा ऊंचा प्रक्षेप पथ। प्रश्न संख्या 41, आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ऊंचा प्रक्षेप पथ। चलिए अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं, यदि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी होता है, जब वस्तु को लेंस को के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो एक डायोप्टर, नौ डायोप्टर, माइनस में है, प्लस में है और एक डायोप्टर माइनस में, तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा सही। ठीक है तो बी ऑप्शन क्या लगाएंगे, राइट लगाएंगे, माइनस का, नौ डायोप्टर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को बताना है, क्या कहते हैं। भाई आंसर आप करेंगे क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है, कमेंट में जरूर बताएंगे। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं, बैरोमीटर, एनवोमीटर, थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर। 43वां प्रश्न, तो डी ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा सही, हाइग्रोमीटर। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है, कागज उद्योग में लुगदी को रंगीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग होता है, हल्के सल्फ्यूरिक एसिड का, ग्लूकोज आइसो अमरेज का, सी है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, डी है आयोडीन व पानी का। 44वां प्रश्न आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है प्रश्न संख्या 45, लेड सेकेंड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है, बोरेक्स, एम साल्ट, गैलेन या ब्रिमस्टोन। चलिए 45 में आप सी ऑप्शन क्या लगाएंगे, सही लगाएंगे, गैलेना। ठीक है 46वां प्रश्न, NaHCO3 खालिस्ताने का रासायनिक सूत्र है, बोरेक्स, सिरका, चूना या बेकिंग सोडा। 46वां प्रश्न आपका इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, बेकिंग सोडा। 47वां प्रश्न है, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हेमोसाइनिन या हेमोग्लोबिन। 47वां प्रश्न आपका इसमें डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है तो डी ऑप्शन राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 48, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है, विटामिन सी, विटामिन सी के बाद कैल्शियम, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो ए ऑप्शन आप इसमें क्या लगाएंगे, सही लगाएंगे, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, हीमोग्लोबिन, रक्त में आरबीसी, रक्त में टी कोशिका या मस्तिष्क में गिरो कोशिका। प्रश्न संख्या 49, आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, रक्त में टी कोशिका। 50वां प्रश्न है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, रोटिकुलम, गोलोजी, एस्पिरेट्स, राइबोसोम्स या लाइसोसोम्स। प्रश्न संख्या 50, आपका सी ऑप्शन क्या होगा इसमें, राइट हो जाता है, राइबोसोम्स। ठीक है
इसके बाद देखिए 51वां प्रश्न आ चुका है जो कि गणित से है, और गणित में केवल हम वही आंसर सही बताते चलते हैं जो सही होता है, बाकी कॉपी और पेन लेके बैठिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। बाकी अगर आपको ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए प्रश्न है कि 999 तथा 3000 के बीच चार अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 2001, 2000, 1999 या 1998? प्रश्न संख्या 51। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 2000। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर संख्या दी गई है 0.827 गुणा 0.827 माइनस 0.173 गुणा 0.173 बटे में 0.654 का हल है, 1, 2, 3 या 4? प्रश्न संख्या 52। तो 52 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या लगाएंगे? सही लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, दो सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक होगा 0, 1, 2 या 3? प्रश्न संख्या 53। आपका बी ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट होगा, 1। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल रुपए 335 में 10% लाभ पर बेची तो उसने ये साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? 945, 850, 925 या यहाँ पर 1085? प्रश्न संख्या 54। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा, 52, 54, 44, 42, -6 या 37, -5? प्रश्न संख्या 55। आप इसमें डी ऑप्शन राइट मानेंगे, 37, -5, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 56 को देखेंगे, 56वां प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपए 500 तथा 4 वर्ष में रुपए 900 हो जाता है तो वह धन होगा 100, 200, 300 या 400? प्रश्न संख्या 56, आपका राइट आंसर ए होगा, रुपए 100। अगला प्रश्न है 57 वाला, किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है, एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है तो उसने कितने चक्कर लगाए और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने में उसके लिए कितने समय कितने चक्कर लगाने होंगे बताएंगे? 57वां प्रश्न आपका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 2 गुना? प्रश्न संख्या 58, आपका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 मीटर है, उसका आयतन बताना है कितना होगा? 100 मीटर, 216 मीटर, 480 मीटर या 512 मीटर? प्रश्न संख्या 59, आपका बी ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 270 माप का कोण एक उदाहरण है, न्यून कोण का, अधिक कोण का, समकोण का या प्रतिवर्ती कोण का? 60वां प्रश्न आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम और न्यूनतम प्रक्षेपण का अंतर कहलाता है, आवृत्ति, वर्गमाप, परिसर या मध्य? प्रश्न संख्या 61, आपका राइट आंसर सी होगा, परिसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि a माइनस बी बराबर 6 और ए बी बराबर 16 है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान कितना होगा? प्रश्न संख्या 61, तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, 728, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए 63वां, x का मान जिसके लिए एक अभिव्यक्ति 7x + 13 और 13x 7 के बराबर हो तो वह है, माइनस का 10 सही बटे 3
हाँ, 3/10 -3/10 या 10/3। प्रश्न संख्या 63। चलिए आंसर करिएगा, सही आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन आपका लगाएंगे, सही लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है क्या होगा? 3:8, 3:4, 9:16 या 27:64। प्रश्न संख्या 64, आपका सी ऑप्शन क्या होगा इसमें? राइट होगा। अगला प्रश्न है, कोण अनुपूरक कोण का 1/3 है, कोण का माप क्या होगा? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री या 22.5 डिग्री। प्रश्न संख्या 65, तो 65 में आपका राइट आंसर ए होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, त्रिभुज को में उस कोण के विपरीत भुजा वाली की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, जिसके कोण का माप 45 डिग्री है, उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई क्या है बताना है, जिसके कोण का माप 90 डिग्री हो। तो इसमें सही आंसर आपका बी वाला सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु 0 पर काटती हैं, यदि कोण AOC बराबर 50 डिग्री हो तो कोण BOC बराबर क्या होगा बताएंगे। प्रश्न संख्या 67, आंसर होगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से सही क्या है? तो बताना है सही क्या है, देखिए 68 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 69वां प्रश्न आ चुका है, एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और पश्चात 1/2 गुना किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या क्या होगी? तो उस संख्या के लिए माना जाएगा 3/4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है, आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, आकृति का परिमाप सेंटीमीटर होगा बताना है, 48, 72, 36 या 45। प्रश्न संख्या 70, आपका राइट आंसर इसमें बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, आंवला पालक, आलू, आंवला आलू मटर। प्रश्न संख्या 71, आपका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसान के मित्र होते हैं केचुआ, जो कीट या चूहा? तो किसान के जो मित्र होते हैं वो होते हैं कौन? केचुआ। ठीक है, केचुआ राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में या मथुरा में? प्रश्न संख्या 73, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट लगाएंगे, आगरा में। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणतम प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी? इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा, गोदावरी। प्रश्न संख्या 75, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर हुआ? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर, क्रिप्स मिशन की संस्तुति पर, माउंट बेटन की संस्तुति पर या इनमें से किसी की संस्तुति पर नहीं? प्रश्न संख्या 75, चलिए आंसर करिएगा, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया गया था, तो ये पास किया गया था भैया कब किया गया था? 1947 में। अगला प्रश्न है, 77वां पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो, 1994 स्टॉकहोम, 1993 जर्मनी, 1993 वाशिंगटन। 77वां प्रश्न आपका ए ऑप्शन क्या होगा? एकदम राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। धुबरी से सादिया, इलाहाबाद से हल्दिया, कोलम से कोट्टापुरम या तलचर से पारादीप। 78वां प्रश्न, आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई की थी भारत में, यूनाइटेड किंगडम में, दक्षिण अफ्रीका में, भूटान में। प्रश्न संख्या 79, आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न देखेंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जस्टिक रानाडे, मैडम वाल्टेस्की, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 80, आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, मैडम वाल्टेस्की। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। 81वां प्रश्न, सी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, विकासीय विधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्जर वक्र तर्क देता है भाषा विकास व्यक्ति के नारसंगिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि वह परिवेश से प्रभावित होता है। अर्जब और सोनाली के बीच ये चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असत अधिनियम, डी है प्राकृतिक तथा पालन पोषण पर वर विवाद। प्रश्न संख्या 82, आपका डी ऑप्शन इसमें राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यवसायिक। 83वां प्रश्न आपका, और बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहार विदों का, संरचना विदों का, मनोविश्लेषण का या गेस्टाल्टवादियों का। प्रश्न संख्या 85, आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। हाँ, पहले 84 देखेंगे, 84 में देख लेते हैं। देखिए 84 में आप पहले देखेंगे अच्छे से। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है, जब वह जल्दी से प्रभावशाली तरीके से सीखता है, सिद्धांत बताना है किसने दिया है? तो ये दिया है भैया किसने? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट लाएंगे। आप देखेंगे 85वां प्रश्न। तो 85 में क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? तो ये आपका है किसका है? गेस्टाल्टवादियों का, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे प्रश्न है, आंसर करते रहिएगा फटाफट। 86वां प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी। 86 में आपका राइट आंसर डी होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, 87वां, खालिस्तान के कारण प्रतिभाशीलता शालिता होती है। मनोसामाजिक कारकों के द्वारा अनुवंशिक, अनुवांशिक रचना, वातावरणीय विप्रेरणा या बी और सी संयोजन। प्रश्न संख्या 87 आंसर करेंगे, तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। 88वां प्रश्न देखेंगे, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न कर पाए उन्हें दंड दे। वे वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। सी है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप से प्रस्तुत करें। डी है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। 88वां प्रश्न आपका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के
बच्चों पर प्रास्ती करता है। वह निम्न में से जांचना चाह रहा है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपयोगिता। प्रश्न संख्या 89, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा विश्वसनीयता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 90 वाला प्रश्न। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किया गया। विद्यालय में होना चाहिए नियमित विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय, समावेशी विद्यालय, एकीकृत विद्यालय। प्रश्न संख्या 90, आंसर आपका सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय प्रतिभा की खोज, परीक्षा का आयोजन या इन सभी। 91 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 92 है, प्रारंभिक शिक्षा में स्थानीय निकायों को सम्मिलित करने की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई है। तो ए ऑप्शन है आपका, प्रारंभिक शिक्षा में जन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। बी है, शिक्षा की गुणवत्ता तथा उपयोगिता में सुधार करने के लिए। सी है, विद्यालय में अनुपस्थित तथा कार्य भिन्नता को कम करने के लिए। डी है, उपरोक्त सभी। 92 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ाता हुआ देखता है और कहता है कि पक्षी इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता करता है या चलाता है। तो देखिए, यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बी है, बच्चे के पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुल का उपकरणों का विकास कर लिया है। आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 93 में, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बी और सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 है, निम्न में से बताना है बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ए ऑप्शन है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। बी है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सी है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। डी है, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। 94 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। मन का चित्र बनाने से मन की क्रियाशीलता पर अनुसंसाधन से बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से। तो सी ऑप्शन इसमें राइट लगा देंगे, मन की क्रियाशीलता पर अनुसाधन से, अनुसंसाधन से। ठीक है, प्रश्न संख्या 96, मानव शरीर के एक भाग के दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 96 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, द्विपार्श्विक अंतरण। चलिए अगला प्रश्न है, क्रोध का वह प्रकार है विप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, संवेग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 98 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को कक्षा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो ए ऑप्शन है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने उसे एकदम ठीक कर दिया। बी है, काम जल्दी करो तो तुम्हें एक टॉपी मिलेगी। सी है, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। डी है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर ले। तो इसमें आप सी ऑप्शन एकदम राइट लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 99, सीखने के भी कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर। सी है, उत्सुकता और इच्छा शक्ति। डी है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 99 में आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक है,
तो डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। प्रश्न संख्या 100, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विस्मृति। अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। 101 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 102 में आपका राइट आंसर डी होगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट लगाएंगे, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भाकड़ा खालिस्तान का लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, असम, नागालैंड। प्रश्न संख्या 103, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, पंजाब। प्रश्न संख्या 104, इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, सितार, बांसुरी, मदाल या तानपुरा। 104 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप आंसर कर रहे हैं, सी ऑप्शन राइट लगाएं, मदाल। 105वां प्रश्न है, सी वी रमन को किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य, भौतिकी, शांति या आर्थिक अध्ययन। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है, भौतिकी। अगला प्रश्न है, बुली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या टेनिस। 106 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आ चुका है भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न, देखिए, भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट, QR, ट्रैफिक मैनेजमेंट, QoS शेड्यूलर या QoS मैनेजर। 107 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, QoS ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड लिनथीथागो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैंथिक लॉरेंस या सर माउंटफोर्ड। 108 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 109वां प्रश्न, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, उड़ान, आजाद विचार, उदंड, मार्तंड, विचार व्यक्ति। 109वां प्रश्न सी ऑप्शन राइट लगाएंगे, उदंड मार्तंड। 110वां प्रश्न है, किसी देश की जन्म दर को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, ये ऑप्शन एक वर्ष के प्रति 100 में जन्मों की संख्या, बी है एक वर्ष के प्रति 100 में जन्मों की संख्या, सी है एक वर्ष के प्रति किलोमीटर क्षेत्र में जन्मों की संख्या, डी है एक वर्ष के प्रति 100 किलोमीटर जन्मों की संख्या। 110वां प्रश्न, और इसमें आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन राइट लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, विकल्प से लापता संख्या चुनेंगे, रीजनिंग का प्रश्न है, 21, 255, 361। तो यहाँ पर जो लापता रीजनिंग का प्रश्न है और जो लापता संख्या है वह आपकी सी ऑप्शन होगा, ठीक है, 529। क्योंकि देखिए 11 11 कितना होता है, 121, 15 15 225, 19 नहीं 11 दूनी 111 11, ठीक है, और 15 15 कह सकते हैं, 361 आएगा आपका 19 19, ठीक है, समझ में आ गया। तो 23 23 559 आएगा, नहीं आएगा तो यही तो होगा, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 112, 17 अक्टूबर 1996 को कौन सा दिन था। अब ये दिन निकालने के लिए भैया विषम दिनों की संख्या को ज्ञात करते हैं, भाई आप अपना लेंगे तरीका, तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो बी आ जाएगा, ठीक है, बृहस्पतिवार। 113वां प्रश्न, 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा,
इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा, 40 डिग्री का। अगला प्रश्न है, एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष से 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितने गुना, मतलब 5 गुने थी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो 114 में आपका जो सही आंसर होगा, देखिए वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 वर्ष। इसके बाद में अगला प्रश्न आ चुका है, देखिए बिंदु के विपरीत कितने बिंदु है बताना है, 2, 5, 2, 3, 5 या 6। 115 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है, 5। अगला प्रश्न है, अमेजन किंडल एक है मनोरंजन साइट, बुक स्टोर, कॉमर्शियल साइट, या इनमें से दोनों, 116 में आपका राइट आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन संख्या 117, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सीवीएन ओएस, ब्लैकबेरी, एंड्रॉइड या वंटू, 117 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 118वां प्रश्न, स्मार्टफोन को निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं, जीपीएस, वॉइस के द्वारा, हैंडराइटिंग, अपलोडिंग या उपरोक्त सभी, 118 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न, कौशल में शिक्षण कौशल में ऋणात्मक अंतरण क्या है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक, पूर्व ज्ञान को जोड़ने में सहायक, पूर्व अर्जित ज्ञान का नवीन ज्ञान के प्राप्त करने तथा बाधा अंतरण की अनुपस्थिति, 119वां प्रश्न आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा कहां पर स्थित है, हैदराबाद, इलाहाबाद, नई दिल्ली या लखनऊ, तो 120 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको उपयुक्त प्रतीत होता है, तो बिल्कुल जो सही आंसर है उसको ही बताते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे डी वाला ऑप्शन, वंशानुक्रम तथा तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, ठीक है, ठीक। 122वां प्रश्न, यह अवस्था जो कि माता के 21 गुणसूत्रों जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है, डाउन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम, 122 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। 123वां प्रश्न, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक सर्वात्रिक है के विकास का अर्थ है, मतोरण, अंगीरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति, 123 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, अंगीकरण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 124वां, कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है, तो देखिए 124 में जो राइट आंसर आप लगाएंगे वो बी वाला ऑप्शन होगा आपका, विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं, ये बिल्कुल हाँ विद्यालयों के कार्य के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था, आपको बता दीजिए, नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पाठ कला केंद्रित या संगीत कला केंद्रित, 125 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, हस्तकला केंद्रित। 126वां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक या शब्ददाता, 126 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, शब्ददाता। 127वां प्रश्न, देखिए पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ पुस्तक को ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने तथा जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने का विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए, तो 127 में जो आप ए ऑप्शन देख रहे हैं यही राइट होगा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्रश्न संख्या 13
इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होती होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 128वें प्रगतिशील शिक्षा में अपारिय है कि कक्षा कक्ष, तो देखिए 128 में आपका भी ए ऑप्शन राइट होगा। लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया होता है, ठीक है, राइट आंसर आपका ए वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न 129वां, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को करती है? तो देखिए 129 में आपका जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा बड़े प्रश्न है तो इसलिए वही आंसर आपको बता रहे हैं जो सही है। तो देखिए ये कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, यही सही होगा। अगला प्रश्न है 130 में, एक बच्चे में कक्षा के एक बच्चों की भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। 130वां प्रश्न आपका आंसर बताएंगे क्या सही होगा। तो ए ऑप्शन इसमें आप क्या लगाएंगे, सही। अगला प्रश्न है, कुकिंग टू सेव योर लाइफ के रचनाकार है अभिजीत बैनर्जी, विमल जलान, ऋतु मेनन, जयराम रमेश। 131 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, अभिजीत बैनर्जी। 132वां प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान है सिंगापुर, नॉर्वे, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। तो 132 में आपका सही आंसर बी होगा, ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। 133वां प्रश्न, ग्लोबल जेंडर मैप इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो देखिए ये आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न था उस समय का, लेकिन अब ये जेके का प्रश्न बन गया है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट माना जाएगा 140वें नंबर पे। 134वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया? तो ए ऑप्शन ही आपका राइट होगा, पांडुचेरी, ठीक है, 134 में पांडुचेरी। 135वां प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? तो देखिए जो सम्मिलित है वही आपको बताते हैं, यहाँ पर है प्रकाश नारायण, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, नहीं होगा बल्कि उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। तो 135 में देखिए ये सभी बिल्कुल सही है, कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे के नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने का घोषणा की थी? तो 136 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है, महाराजा उग्रसेन। 137वां प्रश्न, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली या भोपाल? 137 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 138वां प्रश्न, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर पंजाब बिल्कुल सही होगा। 139वां प्रश्न, किस राज्य में भारत के सबसे पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक? 139 में आपका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। तो देखिए सी ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया? एंडी जेसी, माइकल ब्लूवर्ग, एरिक्सन ग्रावास, बिली या समा लुकोवांडो क्यूवा? 140 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, माइकल ब्लूवर्ग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न है 141 आपके सामने। चलिए बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, देखिए प्रश्न है, प्लोटीपैक्स जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लोटीपैक्स अभ्यारण किस देश में बनाया जा रहा है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? 141 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 142वां प्रश्न है, किस देश में दुनिया का पहला शिप टन
टनल बनाया जाएगा, सिंगापुर, स्वीडन, फ्रांस या नॉर्वे। तो 142 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, फ्रांस में। 143 में प्रश्न आ चुका है, 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम क्या था। तो देखिए ये भी पुराना प्रश्न हो चुका है लेकिन पता होना चाहिए। तो इसका थीम था द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है, 43 में डी ऑप्शन सही होगा। 144वां प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मंसूराम को जीआई टैग प्रदान किया गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या असम। 144 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, उत्तराखंड। हाँ, 145 में आपका डी नहीं होगा बल्कि सी होगा, पंजाब, ठीक है। पंजाब महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है, 145 में आप सी लगाएंगे, ठीक है। चलिए एक सौ छियालीस में आप बताएंगे सही आंसर, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन या प्रयागराज। तो ये देखिए कहाँ पर किया जाता है, 2021 में आपका जो हरिद्वार है यहीं पर हर साल होता है और यहीं पर हुआ था। अगला प्रश्न है, रुद्रपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या नेपाल। 147 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, बांग्लादेश। 148 में प्रश्न, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, नासिक या मुंबई, कोलकाता। ए ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 149 में आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर करेंगे ए ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डी है शिक्षा मंत्रालय। 149 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 150 आपके सामने, प्रश्न है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है, 4, 2, 5 या 6। प्रश्न संख्या 150 आपका ए ऑप्शन राइट होता है, 4। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।